प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से शिमला में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। इस शताब्दी समारोह की 1921 में शिमला में हुई थी शुरुआत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को किया संबोधित। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म पर दिया बल। कहा, एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी टेक्नोलॉजिकल बूस्ट दे बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी करे काम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 दिन के राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का किया शुभारंभ। हाथी मैदान में सशस्त्र बलों के साजो सामान की प्रदर्शनी तथा भारतीय वायुसेना के एयर शो का भी किया उद्घाटन। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 246 एथलीटों और कोचों को पहली बार साई संस्थागत पुरस्कार किए प्रदान। सूचना प्रसारण और युवा एवं खेल मामले मंत्री अनुराग ठाकुर ने की समारोह की अध्यक्षता। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग ने वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्देश किए जारी। दिल्ली NCR में सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश। गुरु पर्व से पहले सिख तीर्थयात्रियों को मिला तोहफा, आज से खुला करतारपुर कॉरिडोर। जम्मू कश्मीर में केसर उत्पादन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, कई देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में हुए शामिल। सम्मेलन में केसर की खेती के लिए नई तकनीकों की दी गई जानकारी, केसर उत्पादन से जुड़े किसानों को भी किया गया सम्मानित। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी घरेलू उड़ानों में खाना परोसने और मैगजीन उपलब्ध करवाने की दी अनुमति। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इन सेवाओं पर लगा हुआ था प्रतिबंध। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 113,68,00,000 को दी गई टीके की खुराक। देश में सक्रिय मामले कुल मामलों के 1% से भी हुए कम। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के पलहालन पट्टन चौक पर संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड हमले में CRPF के 2 जवान और 1 नागरिक घायल। जम्मू में कोविड संक्रमण की दर बढ़ने के कारण आज से वहां रात्रि कर्फ्यू। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का लिया फैसला।